अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। Hey guys, Assalamu Alaikum, I'm Sana Aman and welcome back to another video. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ह्यूज मेकअप हॉल शेयर कर रही हूँ और इसमें सारी प्रोडक्ट्स जो कि मैंने परचेज किए हैं 2 महीने के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने क्या क्या परचेज किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपके साथ इनके रिव्यूज़ भी दूंगी, इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगी जिनका मैं रिव्यू फ्यूचर में ना दूँ बट स्टिल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। तो गाइस, सबसे पहले जो प्रोडक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये पैकेज जो कि मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ है। इस पैकेज में इसके प्राइस हैं 2600। लाइना कॉस्मेटिक की तरफ से ये मैंने ऑर्डर किया था जिसमें ये लैशेस हैं, इनका ये लाइनर है एंड देन ये इसका एप्लीकेटर है जो कि लैशेस अप्लाई करने के लिए यूज़ होगा। ये 3 चीज़ें मैंने रिसीव ऑर्डर की थी जो रिसीव की हैं। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये वीडियो जो थी मैंने पहले शूट कर ली थी बट शुरू का जो पार्ट था वो मुझसे मिस हो चुका था, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मुझे याद ही नहीं रहा यार, मैंने रिकॉर्ड किया तो था बट वो मिस हो गया था। मैंने देन दोबारा भी छोटा सेशन करके दोबारा से जो शुरू की स्टार्टिंग की वीडियो जो प्रोडक्ट्स थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जो आगे कंटिन्यू वीडियो होगी जो कि गोल्डन सा बैकग्राउंड होगा वही पुरानी वीडियो होगी, उसी के साथ मैं इसको मर्ज कर दूँगी। तो मैं बता दूँ कि ये जो हॉल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 50,000 से प्लस, मतलब 50,000 के ऊपर तक का ये हॉल है जो कि मैंने काउंट कर लिया है और इसके प्राइस 50,000 से अबव जा रहे हैं और तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अब तक का मेरा ह्यूज मेकअप हॉल है, ठीक है। तो ये पहला ये हो गया। सेकेंड चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने हाइड्रा लाइनर ब्यूटी वर्ल्ड से ऑर्डर किए थे। इससे पहले मैं बता दूं कि बॉब का जो है वो मस्कारा जो मैंने परचेज़ किया है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो कि अमेजिंग है, मेरा अब तक का फेवरेट मस्कारा है ये बॉब का मस्कारा। इसके अलावा मैंने लॉरियल पेरिस का ये लिया था, 1000 तक का है लॉरियल पेरिस का। ये माइसीलर वाटर है, मेकअप रिमूवर वाटर है जिसको मैंने हाइपर स्टार से परचेज़ किया है। 40 ml क्वान्टिटी है इस, ये मैंने परचेज़ किया है। इसके अलावा लॉलैंड का मैंने लिया है कैरेटिन लीव इन ऑयल स्प्रे जो कि बालों के लिए है, जिसको बालों पे अप्लाई हम करेंगे और इसके भी प्राइस जो हैं यहाँ पे अगर मेंशन हो तो मैं आपको बता देती हूँ। ये भी 1000 तक के प्राइस में आएगा, 1000 तक की रेंज का है और प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अब किस इसके प्राइस याद रखूँ मैं। इसके अलावा मैंने जो ब्यूटी वर्ल्ड से ऑर्डर की थी चीज़ें उनमें मैंने ये हाइड्रा लाइनर के 2 पैक ऑर्डर किए थे। आई थिंक 600 का ये एक पैक है और इसके साथ ही 1500 के ये नियॉन जो है वो पिगमेंट्स हैं इसके 1600 के, जिसमें इस तरीके के बहुत ही फंकी से कलर्स में अवेलेबल हैं। पाउडर फॉर्म में ये नियॉन पिगमेंट्स होती हैं और जो है इसके साथ ही मैंने 2 काजल थे जो कि मैंने ऑर्डर किए हैं ब्यूटी वर्ल्ड के, ये वाइट है और ये है न्यूड कलर, ठीक है। इसके साथ इसकी ये भी मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चंकी ग्लिटर्स हैं जो कि मैंने ब्यूटी वर्ल्ड की तरफ से परचेज़ किए हैं, ब्यूटी वर्ल्ड से मैंने ऑर्डर किया था। जितनी भी चीज़ें सब मेरी ओन परचेजिंग है, कोई भी चीज़ स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं की गई, मेरी ओन परचेजिंग है। ये चंकी ग्लिटर्स हैं 2 अलग अलग कलर्स में, 2 पैक के में अवेलेबल हैं। 1500 का एक पैक है जिसमें ये 3 ग्लिटर्स आती हैं, साथ में ये ग्लू अवेलेबल है, इसकी इतनी बड़ी बॉटल है और इनका मैं रिव्यू नहीं दूंगी वीडियो में बट मैं वीडियो में जहाँ पे अप्लाई करूँगी वहाँ पे इनको टैग भी कर दूँगी। इंस्टाग्राम पे आप देख लेना जब मैं इनको टैग करूँगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये माइसीलर वाटर लिया है जो कि गार्नियर का, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है, हाफ बॉटल तो डन हो गई है। इसका रिजल्ट वगैरह क्या है वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी, गार्नियर माइसीलर वाटर। और इसको मैंने परचेज़ किया था गार्नियर के इस माइसीलर वाटर को मैंने डॉलर मॉल से परचेज़ किया था लॉरियल के इस वाटर के साथ। इसके साथ ही मैंने परचेज़ किया है ये मैंने रेवोल्यूशन की फाउंडेशन बेस है जो कि है मैट बेस F6, इसका कलर शेड है और इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, सही आइडिया हो जाएगा ना मुझे यहाँ से चीज़ें रखनी है। इसके अलावा मैंने एट्यूड का मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ये परचेज़ किया है, एट्यूड का प्राइमर है और पर्ल प्राइमर है, जेल बेस पे प्राइमर है, ऑयल फ्री लॉन्ग लास्टिंग ये प्राइमर है जो कि है एट्यूड का प्राइमर। इस तरीके से मैंने प्राइमर परचेज किया है। देन आ जाते हैं रिवाज की कुछ कॉस्मेटिक के ऊपर। रिवाज की तरफ जो मैंने ऑर्डर किया था उसमें मैंने ये ब्लश ऑन जो है बहुत ही अमेजिंग ये ब्लश है,
इसको मैंने ऑर्डर किया है और इसके आप अगर देख सकें बहुत अमेजिंग है। रिवाज का अगर ब्लश, अगर आपको बेस्ट ब्लश परचेज़ करना हो तो मैं आपको बोलूँगी रिवाज का ये ब्लश लाजमी परचेज़ करना। इसके अलावा रिवाज का मैंने लिया है मिनरल स्प्रिंग मिस्ट स्प्रे। रिवाज की जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ एक्सेप्ट दिस ब्लश ऑन, जो प्रोडक्ट्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी, लैशेस वगैरह मैंने परचेज किए हैं, 4500 तक की ये सारा सामान था जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ एक्सेप्ट दिस ब्लश ऑन, ठीक है। तो ये वाला जो है मिनरल सेटिंग स्प्रे है जिसकी रोज़ फ्लावर की तरह स्मेल है, बहुत ही अमेजिंग है। इसी के साथ रिवाज का जो मैंने ऑर्डर किया था वो मैंने किया था रिवाज का फाउंडेशन ऑर्डर किया है मैंने, हाई डेफिनेशन HD फाउंडेशन है रिवाज का, इस तरीके का है जो कि है फ्लॉलेस फिनिश ब्लेंडेबल, और इसको अप्लाई करेंगे, इसका भी मैं रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह। 6 इसका मैंने नंबर लिया है, जो शेड लिया है रिवाज का। ये हो गया, दो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं रिवाज की। इसके अलावा रिवाज का जो ब्रश था वो मुझे रिसीव हुआ था, ये मैंने इस तरह का एंगल ब्रश मंगवाया था, बट इसकी ना हालत इतनी ख़राब इन्होंने भेजी है, पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, तो मुझे ये ब्रश ना यूज़लेस ही लगा है। रिवाज का यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिवाज, तो ये ब्रश हो गया रिवाज का। इसी के साथ मैंने रिवाज की पेंसिल ये ऑर्डर की थी, ब्रॉ पेंसिल, आईब्रो पेंसिल ब्लैक कलर में, जिसके यहाँ पे हल्का सा कॉम सा दिया गया है, और इस तरीके की पेंसिल आई थिंक इसके प्राइस 90 या 80 तक के प्राइस थे, मुझे याद आ रहे हैं कुछ। तो ये चार चीज़ें मैंने आपको रिवाज की दिखा दी हैं। इसके अलावा रिवाज की मैंने लैशेज ऑर्डर की थी, जो कि हैं रिवाज की लैशेज हैं, जो कि हैं डॉल फेस आइस की लैशेज हैं, और ये वाली हैं इजिप्शन आइस की, और ये हैं इजिप्शन आइस की, दो हैं, ठीक है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, यही पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुई, जो कि पैकेजिंग लैशेज की ना मुझे अच्छी नहीं लगी, बाकी अच्छी थी, बहुत ही टाइट टाइट पैक हुआ था। ये लैशेज हैं, ये आईब्रो पेंसिल है, इसके अलावा फाउंडेशन और मिनरल स्प्रे मिला के 4400 तक इसके प्राइस थे, जो कि मैंने ऑर्डर किया है रिवाज से, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने ऑर्डर किया है, इसके अलावा मैंने ऑर्गेनिक हब से एक पार्सल मुझे रिसीव मैंने ऑर्डर किया था, जिसमें मैंने ये प्रोटीन हेयर मास्क ऑर्डर किया है और फेस पैक ऑर्डर किया है। इसी के साथ ऑर्गेनिक हब का मैंने जो है ग्लो सीरम इसको ऑर्डर किया है, इसको मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ वीडियोज़ में, अगर आपने देखा हो। इसके अलावा विटामिन सी का एक सीरम है, और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये लिप बाम दिए, जो कि बहुत ही अमेजिंग बाम है, सही है। तो ये ऑर्गेनिक हब का ये जो पार्सल है, इसके प्राइस क्या थे, 3000 तक के शायद प्राइस थे, मतलब 3000 कुछ इस तरह का ये प्राइस बन रहे थे। तो ये एक दो तीन चार चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, और ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला है मिस रोज़ ऑर्गेनिक हब का। ये आ गया ऑर्गेनिक हब की प्रोडक्ट्स, जो कि मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, जो कि मैंने ये वाली ऑर्डर की थी अमेजिंग, जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस प्रोडक्ट की, मैं काफ़ी टाइम से इस प्रोडक्ट का वेट कर रही थी। vegas.pk पे ये अवेलेबल नहीं थी, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, vegas.pk से मैंने इसको परचेज किया है। न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम, और इसको मैंने इस तरीके की पैकेजिंग में इसको ऑर्डर किया था। और इसी के अलावा इससे पहले मैं फॉरम मॉल गई थी, फॉरम मॉल से मैंने परचेज़ किया था, फॉरम मॉल से मैंने इसको परचेज़ किया था, हाइड्रो बूस्ट जो है हाइड्रेटिंग लोशन मैंने इसको ऑर्डर किया परचेज़ किया था, न्यूट्रोजेना का, जिसमें SPF 25 इसमें एडेड है। इसके बाद ही मैंने ये जेल ऑर्डर किया है, ठीक है। इसी के साथ मैंने आई क्रीम भी जो ली है, जो कि है रिफ्रेशिंग जेल आई क्रीम है हाइड्रो बूस्ट न्यूट्रोजेना की, जो कि ये ब्लू कलर की इस पैकेजिंग में है। ये मैंने जाके फॉरम मॉल से परचेजिंग की है, इससे पहले मैं फॉरम मॉल से न्यूट्रोजेना के फेस वॉश मैं परचेज़ करके लाई थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग थे। अगर आपने वो वीडियो देखी हो, अगर वीडियो ना देखी हो तो यहाँ पर शो हो रही होगी, ये साइड पे आई सा शो हुआ होगा, आप यहाँ पे देख लेना, चेक कर लेना वीडियो को। इसके अलावा मैंने रेवोल्यूशन का ये ऑर्डर किया है vegas.pk से, रेवोल्यूशन का रेम्बो हाइलाइटर, जो कि इस तरीके से पैकेजिंग में ही अवेलेबल है, बहुत ही अमेजिंग है। इसके अलावा रेवोल्यूशन का मैंने मरमेड हर्ट, ये भी मैंने हाइलाइटर परचेज़ किया है, और इसके अलावा मैंने मेबलिन ड्रीम सैटिन बीबी क्रीम है, जो कि फाउंडेशन क्रीम है, अमेजिंग फाउंडेशन क्रीम है,
इसको मैं एक बार टेस्ट कर चुकी हूँ, 8-in-1 क्रीम है। इसको मैंने परचेज़ की है, जो परचेज़ की है वो मैं बता रही हूँ, जो ऑनलाइन परचेजिंग है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा ये मैंने जो परचेज़ किया है ये मैंने डॉलमन मॉल से परचेज़ किया है। यह है मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर फाउंडेशन, जिसके प्राइस अभी तक मैंने ओपन नहीं किया। इसके प्राइस जो थे वो आई थिंक 22 तक के प्राइस है इसके, और डिस्काउंट में मुझे 19 समथिंग के पड़ा है ये फाउंडेशन, ये वाला फाउंडेशन सुपर स्टे। और इसके अलावा मैंने लॉरियल का फाउंडेशन एक परचेज़ किया, जो कि है इनफॉलेबल, जो लॉरियल का फाउंडेशन है इस तरीके का इनफॉलेबल फाउंडेशन, जो कि ट्यूब में अवेलेबल है। सिफोरा का मैंने मूस फाउंडेशन, इसको मैंने ऑर्डर किया है, मूस में अवेलेबल है। इससे पहले जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए मैं बोलूँगी ये मूस अच्छा होता है। मैंने इससे पहले लॉरियल का एक मूस परचेज़ किया था काफ़ी टाइम पहले, जब मैंने वीडियो सेशन स्टार्ट नहीं किया था, बट वो भी बहुत मतलब मेरी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वालों के लिए मूस अच्छा मुझे सूट नहीं किया था। वैसे तो मैंने इसको कंबाइन करके यूज़ किया हुआ है, बट सिफोरा का मैंने ये मूस परचेज़ क्यों किया, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, फिर भी मैंने इसको परचेज़ किया क्योंकि मैं इसको मॉइस्चराइज़र और दूसरे फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अप्लाई करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने हैं इस हॉल के अंदर। तो मैक का मैंने एक लिया है वाटरप्रूफ, जो है वो है मस्कारा और लाइनर मैंने परचेज़ किया है। अमेजिंग मस्कारा और लाइनर है, दोनों मैक के ब्लैक कलर की पैकेजिंग में अवेलेबल है। ये मैक का मैंने परचेज़ किया है, और इसके अलावा ये वाला भी मैंने मैक का मस्कारा इसका परचेज़ किया है, जो कि इस तरीके की पैकेजिंग में अवेलेबल है, वाटरप्रूफ मस्कारा। इन सब के जो रिव्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो रिव्यू शेयर नहीं करूँगी वो काजल हो गया, ये जिन जिनका मैं आपको बता रही हूँ कि यार रिव्यू शेयर नहीं करूँगी, बट स्टिल मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। सही, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अलावा मैंने परचेज़ किया हुदा ब्यूटी का ये मैट, जो है मैट परफेक्शन प्री मेकअप बेस है, जो कि मेकअप से पहले इसको अप्लाई करना होता है, और इसको मैंने परचेज़ किया। ये फाउंडेशन है ड्रीम फ्रेश का मैट फाउंडेशन, जो कि मैंने जामा क्लॉथ मार्केट से परचेज़ किया था। इसकी शॉप का मैं अगर आपको बता दूं, जब मैंने परचेज़ किया था तो रेड फैन के नाम से एक शॉप वहाँ पर मौजूद है, बहुत ही फेमस होगी अगर आप वहाँ पर जाएँ, किसी से पूछें रेड फैन या रेड फैन ही उन्होंने कहा था, क्योंकि जो फैन ऊपर लगा हुआ है उस पर रेड पेंट हुआ हुआ है। तो वहाँ से ये मैंने परचेज़ किया था। इसके प्राइस आई थिंक 1000 तक के प्राइस हैं इसके। और सिफोरा का मैंने फाउंडेशन परचेज़ किया है, सीसी क्रीम है, जो कि बहुत ही पिंकिश से टोन में। इसके बाद एले गर्ल का प्रो कंसीलर, जिसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ अगर आपने देखा हो, और ये भी मैंने वेगस से परचेज़ किया। इसके अलावा मैंने लोकल मार्केट से ये परचेज़ किया है, टेंट है जो कि 150 का मैंने लिया है, वाटर कैंडी टेंट 150 का मैंने लिया, जिसकी जो है रिज़ल्ट मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी फ्यूचर में कंपेयर करके। सही है, और ये भी मैंने लोकल मार्केट से मतलब लिया है, जो कि है इस तरीके का लाइनर है, मार्कर लाइनर, जो कि मैंने एक्स्ट्रा ले ली हैं, मेरे पास एक पड़े हुए होने चाहिए क्वांटिटी, क्योंकि जब स्टॉक पड़ा हुआ होता है तो ईजी हो जाता है उनको अप्लाई करना। इसके अलावा मैंने परचेज़ किया जी डॉट की नोट आई पेंसिल परचेज़ की, जो कि मैंने ली थी ओशन मॉल से, मैंने परचेज़ किया था इनके आउटलेट से, जे डॉट के वहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, ये सितंबर में मैंने परचेज़ किया। ठीक है, मिनरल फाउंडेशन है, जो कि है नोट मिनरल जे डॉट का नेचुरल ग्लो फाउंडेशन, जे डॉट का ये मैंने परचेज़ किया है, 550 तक के प्राइस हैं मुझे याद आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपके साथ मिस रोज़ के कुछ एक पार्सल मुझे जो मैंने ऑर्डर किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिस रोज़ का पार्सल के प्राइस क्या थे, आई थिंक वो भी 4000 कुछ तक के थे, 4400 के थे, 4500 तक के प्राइस थे, जिसमें मुझे ये मिस रोज़ की बीबी क्रीम मैंने ऑर्डर की थी इस तरीके से। इसके अलावा मिस रोज़ का मैंने एयर कुशन स्टिक मैंने ऑर्डर की है, और जो कि मैट फॉर्म में, आई थिंक। तो इसके अलावा मैंने मिस रोज़ का ऑर्डर किया है लिक्विड फाउंडेशन, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैट फाउंडेशन है। इसके अलावा मिस रोज़ की मैंने पेंसिल ऑर्डर की थी, 2-in-1 पेंसिल थी, आईब्रो पेंसिल, जो कि अमेजिंग है। इसके साथ मुझे ये पेंसिल भी इन्होंने मुझे भेजी है, और यहाँ पे रख देती हूँ। इसके अलावा मैंने मिस रोज़ के दो फाउंडेशन ऑर्डर किए थे, जो कि हैं गोल्डन कलर के, इस तरीके के शेड 04 एंड 05। इसको यहाँ पे रख देते हैं। एंड कंसीलर ऑर्डर किया है, जो कि मिस रोज़ का है, शेड 05 मैंने कंसीलर ऑर्डर किया है। इसके अलावा एक और फाउंडेशन, दो और स्टिक्स मैंने ऑर्डर की थी, जो कि है बेज 12 एंड आइवोरी। ये दो मैंने स्टिक्स फाउंडेशन की दो स्टिक्स भी मैंने ऑर्डर की है मिस रोज़ की, ब्लैक कलर की पैकेजिंग में अवेलेबल है। तो ये मिस रोज़ का पार्सल हो गया।
उसके अलावा मैंने फॉक्यूलर का ये ग्लो इल्यूमिनेटर परचेज किया है, इस तरीके का इसका अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। और मिस रोज़ के उस डील के अलावा मैंने ऑर्डर जो किया था वो मैंने मिस रोज़ के, ये मैंने पहले कंसीलर आपके साथ लिक्विड कंसीलर शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने मिस रोज़ के ही इसके जो और शेड्स हैं वो मैंने परचेज़ कर लिए हैं। 3 शेड्स और हैं जो कि लाइट है, आइवोरी 6 है और बेज 2 है, ये भी मैंने परचेज़ कर लिए हैं। इनका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा मैंने सिफोरा का बहुत ही ज़बरदस्त इसका फुल कवरेज जो है कंसीलर है ये मैंने ऑर्डर किया है, ये मैंने परचेज़ किया है, ठीक है, सिफोरा का कंसीलर। इसके अलावा कुछ मैंने लोकल मतलब जामा क्लॉथ मार्केट से जहाँ से मैंने फाउंडेशन लिया था, उसके अलावा और भी वहाँ पे मेकअप की शॉप्स हैं, इसीलिए मैं वहाँ पे लोकल मार्केट उनको कहूँगी। वहाँ पे ब्रांड का तो मेकअप नहीं पड़ा हुआ लेकिन मैं इसीलिए तभी उनको लोकल मार्केट कहती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की मैंने ग्लिटर ली थी, आया ग्लिटर जो कि इस तरीके की उन्होंने कहा था कि कैंडल शेप की बनी हुई है, बहुत ही अमेजिंग ग्लिटर है बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आंखों पे अप्लाई करने के बाद आंखों के ऊपर लग जाती हैं, क्योंकि मैंने इसका रिव्यू नहीं देना तभी मैं आपको इसी में शॉर्ट में बता रही हूँ। आंखों पे अप्लाई करो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जिस अप्लाई करोगे थोड़ी देर तक आंखों के ऊपर लग जाएंगी और बिल्कुल वैनिश सी हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, नज़र ही नहीं आएंगी, आई शेडो के साथ मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दो ग्लिटर्स मैंने परचेज़ किए हैं, यूज़लेस थी। इसके अलावा जो है मैंने मेबलिन का ये आईब्रो जो है टैटू ब्रो टेंट मैंने जेल जो है वो मैंने हाइपर स्टार से परचेज़ किया है, इसके प्राइस 1650 हैं मुझे याद है इसके प्राइस। और आईब्रो जेल टेंट है, टेंट आपने आईब्रोज के ऊपर अप्लाई करना है देन पील ऑफ कर लेना है। इसके अलावा मैंने वेगस से ऑर्डर किया है स्केच मार्कर, इस तरीके के इसके और भी शेड्स में थे लेकिन मुझे यही मिला क्योंकि उस वक्त यही शेड अवेलेबल था, ठीक है। और मैंने वेगस से ही ऑर्डर किया था, ये 1000 तक के मतलब डिलीवरी चार्जेस को मिला के 1000 तक की मतलब ऐसे 1000 तक के प्राइस हैं, डिस्काउंट में 800 की पड़ी है। और डिलीवरी चार्जेस मिला के इसके निक्स की पेंसिल है, पिंक कलर की पीछे सी पेंसिल है जिसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया और इसका पीच रिजल्ट है, इसको मैं अप्लाई करूँगी। इससे पहले मैंने वाइट पेंसिल जो मैंने जे डॉट की शेयर की है वाइट कलर की पेंसिल, उसका भी रिजल्ट उसके अमेजिंग थे, तो मैंने नेक्स की ये पीजी NYX, कुछ लोग NYX भी बोलते हैं इसको, तो मैंने ये वाली जंबो आई पेंसिल मैंने इसको परचेज़ की है वाटर लाइन पे अप्लाई करने के लिए, तो इसका भी मैं रिव्यू दूंगी। इसका कलर है स्ट्रॉबेरी मिल्क कलर है 605। इसके अलावा मुझे मिस रोज़ के साथ ये पेंसिल भी मिली थी आई पेंसिल। अब मूव करते हैं दी नेल पैलेस बाय फातमा का, जो नेल्स मैंने परचेज़ किए हैं इस तरीके के ये नेल्स हैं, दो पैकेट्स ये वाले एक रेड कलर में, ये सारा तीनों पैकेट मिला के 1800 रुपये का मुझे ये पार्सल था, मुझे रिसीव हुआ है। ये वाले नेल्स 24 का ईच पैक है, ठीक है, और एक ये वाले नेल्स जो कि कैजुअल आप यूज़ कर सकते हो, इसके साथ दो स्टिकर्स और दो ये वाले स्टिकर्स हैं, ठीक है। तो ये सारा मिला के मुझे 1800 के ये पड़े, बहुत अमेजिंग नेल्स हैं। बस ये है कि इसको आप एल्फी से अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको इसी के स्टिकर से अप्लाई करोगे, तो ये वाले लाजमी अगर आपने परचेज़ करने हो, सस्ते रेट हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप ये वाले परचेज़ लाजमी करना, ठीक है। इसके अलावा मैंने ग्लैमरस की जो लिया है कंसीलर एक लिया है, ये वाला छोटा सा कंसीलर है ग्लैमरस का, और मैंने कुछ ऑर्डर किया था जिस तरीके से ये बहुत दराज से मैंने ऑर्डर किया था, इस तरीके से फेस रेजर है जो कि मैंने 3 का एक पेयर बना हुआ है, 3 का पेयर मिलता है, मैंने 3 ही ऑर्डर किए थे, जो 2 थे वो मैंने बांट दिए 2 बंदों में, ठीक है, एक मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया, एक दूसरी सिस्टर को दे दिया। तो इस तरीके के रेजर हैं जो कि मैं एक और पैक इंशाल्लाह फ्यूचर में ऑर्डर करूँगी, बहुत अमेजिंग है, फेस के लिए है, आईब्रोज़ के लिए भी अच्छा है, तो ये वाला मैंने ऑर्डर किया था। इसके प्राइस आई थिंक पता नहीं कितने प्राइस से ही याद नहीं आ रहे। इसके अलावा जो है मैंने कुछ हेयर एसेसरीज मैंने परचेज़ की हैं, आप लोग जाके परचेज़ कर सकते हो। इस तरीके का मैंने हेयर बैंड एक परचेज़ किया है मिकी माउस वाला, एक ये वाला येलो कलर का परचेज़ किया है, इसके अलावा एक ये वाला बो बनी हुई पर्पल कलर का ये वाला परचेज़ किया है। इसके अलावा मैंने हेयर पिंस ली हैं जो कि मैं जब मैं आई मेकअप करूँगी तो उसके ऊपर अप्लाई स्कार्फ के ऊपर पहनने के लिए हेयर पिंस का ये पैक लिया है। इसी के साथ इसकी दो और भी पिंस हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैंने ये पिंस ली हैं, कुछ इस तरीके की बटरफ्लाई वाली पिंस हैं, इनका पैक ले लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ इयररिंग्स ली हैं, फंकी सी इयररिंग्स हैं, कुछ इस तरीके की इयररिंग्स हैं, इनके प्राइस हैं 170 की हैं ये, और ये वाली 290 की हैं, इस तरीके की 290 की हैं। ये स्कार्फ नहीं, ये पिन है, सॉरी पिन है, इसको मैंने परचेज की पिन है, और ये वाली जो है 115 की, ठीक है।
ये वाली मैंने परचेज़ की है, इसमें मेरे पास दो सेम आ गई थी, इसके प्राइस मुझे याद नहीं आ रहे, देखे हुए नहीं है ना। और ये वाली भी है ब्लू कलर की, ये वाली मैंने इयर रिंग ली हैं और एक ये वाली ली हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने कुछ अपने ऑप्टिकल्स ली हैं, परचेज़ किए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, गैप आ गया था, तो मैंने एक ही वाला अपने लिए चीता प्रिंट, ठीक है। इसके अलावा ये ब्लैक कलर का है जो कि राउंड में है। इसके अलावा मैंने एक और बनवाया है नया पर्पल कलर का, ये सब न्यू है मेरे। पहले मैं, अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपके साथ पहले वाले भी शेयर किए थे। और जो है एक ये ब्लू सा कलर मैंने इसका बनवाया है। और जो है मैंने एक और बनवाया है जो कि ब्राउन है, स्क्वायर है, ठीक है। और जो मैंने बनवाया है एक और भी होगा यार, एक और नहीं, अच्छा एक और दूसरा कहीं और पड़ा हुआ है, जो मैंने पहना हुआ है वो ये इस तरीके का है, बड़ा वाला, ठीक है। इसके अलावा ये जो इयरिंग्स हैं, हाँ ये वाली इयरिंग्स जो कि मैंने आपको कहा है मैंने दो परचेज़ कर ली थी गलती से, तो ये 225 की हैं। ये सेम मैंने इसके अलावा मैंने ये हेयर बैंड्स का पैक मैंने जो है वो परचेज़ किया है। इस तरीके की हेयर बैंड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, फैब्रिक कपड़े के बने हुए हैं। यहाँ पे एक इलास्टिक डाला हुआ है जिसमें कलर्स मैंने लिए हैं, ये दो तीन एंड चार कलर्स, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने ये वाला पैक ऑर्डर किया था, मैंने इनको टैग करूँगी, आप इंस्टाग्राम पे देख लेना, जिसमें बहुत ही अमेजिंग है। एक और पेज था जिसमें बहुत ज़्यादा हाई रेट थे, इसमें रेट अच्छे थे, तो मैंने जैसे दो चीज़ें ये ऑर्डर की थी, तीन चीज़ें वैसे तो मैंने ऑर्डर की थी। और ये इस तरीके की हेयर पोनीज़ हैं जो कि आजकल बहुत चली हुई हैं, बहुत अमेजिंग ये कलर हैं, ये वाली मैंने ऑर्डर की थी। और इसमें ये भी पोनीज़ हैं जो कि इस तरीके की हैं, कुछ इनको मैं इंस्टाग्राम पर टैग कर दूँगी, आप देख लेना वहाँ से। ये सारी हेयर पोनीज़ हैं, हेयर बैंड्स हैं, ठीक है, हेयर पोनीज़ हैं, ठीक है, तो ये आ गई। इसके अलावा मैंने वर्ल्ड ऑफ द गैलरी से मैंने ये ऑर्डर किया था, सिफोरा का कोकोनट फेस मास्क। और मैंने वेगस से मैंने ऑर्डर किया था ये इंडियन हीलिंग क्ले, जिसका मैं रिव्यू इंशाल्लाह आपको दूंगी, मेरे फेस पे एक्ने आते हैं तभी मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी, इंडियन हीलिंग क्ले। इसके अलावा मैंने इप्को यानी कि फॉरम मॉल से इप्को से मैंने इसको परचेज़ किया था, 185 के हैं ये, ऑरेंज कलर के, आईज फेस पे अप्लाई करने के लिए ऑरेंज पैड्स हैं, इनको मैंने परचेज़ किया है। इसके अलावा मैंने कुछ लिपस्टिक्स परचेज की थी, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, मतलब मैंने वो रखना भूल गई, दिखाना भूल गई आपको। और भी कुछ सामान था और भी जो चीज़ें हैं जो कि मुझसे मिस हो चुकी हैं, टोटली जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल था, मैंने जो एक साइड पर रखा हुआ था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इनमें से जो चीज़ें हैं, जिस तरह हेयर बैंड्स, हेयर पिंस, इन सब का रिव्यू मैं नहीं दूंगी, जिस तरह मैंने ग्लासेस आपको दिखा दिए। तो गाइज ये कुछ सामान था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। कुछ और ऑर्डर्स हैं जो कि मुझे इंशाल्लाह फ्यूचर में रिसीव होंगे, वो तो मैं वीडियो में बना दूंगी, बट ये काफ़ी सारा सामान था जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने रिव्यू वगैरह भी देना है आपको, तो मैंने एक यूज हॉल के थ्रू आपके साथ शेयर कर लिया। आप इसकी सब कुछ देख सकते हैं, कितनी सारी प्रोडक्ट्स, आई थिंक ये 50,000 के अंदर अंदर ये सब चीज़ें होंगी जो मैंने ऑर्डर की हैं। इसके अलावा कुछ लिपस्टिक वगैरह हैं जो कि मेबलिन की लिपस्टिक्स थी, जे डॉट की लिपस्टिक्स हैं, और कौन सी थी लिपस्टिक मैंने परचेज़ की थी, नेक्स्ट की लिपस्टिक्स, वो तो मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। इस तरीके की कुछ लिपस्टिक भी थी, वो भी मैंने परचेज़ की थी, तो रेवोल्यूशन की भी लिपस्टिक है, तो वो मैंने आपके साथ अभी दिखाना भूल गई, वो मेरे पास पड़ी हुई नहीं है, मतलब दूसरी जगह पड़ी हुई है। तो ये कुछ 50,000 के करीब करीब ही है ये जो जितना भी मैंने प्रोडक्ट्स आपको दिखाएं। तो गाइज ये था मेकअप हॉल, एक ही साथ मैंने स्पेंड नहीं किया, अलग अलग जगह से स्पेंड किया, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। ये तकरीबन 2 महीने तक का जो ये जितना भी हॉल है, 2 महीने के अंदर अंदर तक का है ये सारा सामान जो कि मैंने परचेज़ किया है, मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। आई होप आपको ये मेकअप हॉल, सॉरी ये मेरा हॉल, शॉपिंग हॉल बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।